हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। मिस्टर साजिद का वीडियो आया है, कौसर इब्राहिम पर करेंगे थोड़ी सी बात, थोड़ा सा रिव्यू। साथ ही साथ जो शवरमा की दावत है उसको दोबारा से थोड़ा सा एक हल्का सा टच देते हुए आगे चलेंगे नजमा के थोड़े से एटीट्यूड की तरफ। थोड़े से नजमा का जो आजकल एक कॉन्ट्रीब्यूशन है सितारा की लाइफ पे उसकी तरफ, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रॉपर वीडियो। अच्छा, जो मिस्टर साजिद का वीडियो आया वहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने बच्चों को ड्रॉप किया कहाँ पर, पहले ट्यूशन टीचर के पास, लेकिन उस टाइम मुझे सिर्फ जो बच्चों हैं ना उनमें तैयबा और मुस्तफ़ा ही नज़र आए, और जो छोटी वाली आयु है वो नज़र नहीं आई। मीन्स आयु जो है वो ट्यूशन शायद ना गई हो, बच्ची ये बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी ये रीज़न हो। खैर जी, यहाँ पर जो होम स्कूलिंग है उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि आपको दोबारा से ना अगर लगे मुनासिब तो सितारा ज़रूर एक डिटेल इन्फो जो है ना, छोटी सी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, पहले खुद समझ लीजिएगा, उसके बाद अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो होम स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप गूगल करना चाहें तो। बहुत सारे लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं, इवन इंस्टा पर भी इसको प्रमोट किया जाता है। खैर जनाब, आगे चलते हैं। तो मिस्टर साजिद ने यहाँ से सितारा को किया पिक और इनके व्लॉग में नज़र आई सितारा, क्योंकि ऑडियंस बहुत नाराज़ है कि आप सितारा को नहीं दिखाते। तो खैर जी, आज सितारा नज़र आ गई और सितारा और बच्चों को बीबी के घर छोड़ने के बाद ये गए कौसर को लेकर कहाँ, डॉक्टर के पास, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कह लें, स्टेप कह लें है, क्योंकि जो बच्चा है इब्राहिम अभी वो बहुत छोटा है और उस एज में कोई भी मेडिकेशन खुद से देना ठीक नहीं है। इसलिए जब ये ट्रेवोकॉट लेकर आए थे कौसर के, एक फंगल इन्फेक्शन की ये मेडिसिन होती है उसके लिए, तो मैंने वीडियो बनाई थी कि इब्राहिम का आप प्रॉपर चेकअप करवा लीजिए। तो अच्छी बात है, किसी के भी कहने पर, कहीं पर भी आपने सुना या आपके खुद जहन में आया, क्योंकि उस टाइम आपने कहा था कि यही मेडिसिन इब्राहिम को भी लगाएं, लेकिन इट्स ओके, आप उसको लेकर गए, पूरा प्रॉपर उसका जो है एक चेकअप हुआ, वेट वगैरह, जाहिर सी बातें इतने बच्चे होते हैं तो उनका चेक किया जाता है, उस हिसाब से फिर जो दवा है ना उसकी डोज सजेस्ट की जाती है छोटे बच्चों को, तो ये कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। अच्छा, सितारा की कार यूज़ हुई और सितारा की ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़, क्योंकि वो कौसर और सितारा का जो रिश्ता है ना उसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं, और जहाँ पर कौसर थोड़ा सा भी एटीट्यूड दिखाती हैं या एंगर दिखाती है तो फिर सितारा की जो ऑडियंस है वो हो जाती है नाराज़। खैर, सितारा कौसर की जो अपनी एक रिश्ता है उनका, वो इसी तरह का नरम गरम है, उसमें अप्स डाउन्स चलेंगे, देखने को भी मिलेगा, कभी कौसर की नाराज़गी नज़र आएगी, कभी सितारा नाराज़ नज़र आएंगी। खैर, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। इसके साथ ही साथ यहाँ नीचे कॉमेंट्स मौजूद थे वीडियो के कि जो कौसर है वो सितारा के दिए हुए कपड़े क्यों नहीं पहनाती इब्राहिम को, तो मुझे लगता है कि जो बच्चा है ना उसको आपने देखा है ना किस तरह के रैशेज हैं, और जो सितारा कपड़े लेकर आई हैं वो बेसिकली एक थोड़े से गर्म भी हैं और उसमें एक कॉलर बना रहता है और गले के पास से वो काफ़ी एक उसमें ना मोटा सा, एक अगर कॉलर ना भी हो तो पाइपिंग होती है और वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम करेगी अगर इस तरह के बच्चे को कहीं एग्जिमा या फंगल इन्फेक्शन या कोई स्किन पर रैश है तो दैट्स द रीज़न मुझे लगता है कि कौसर जो मलमल के सॉफ्ट कपड़े होते हैं वो इब्राहिम को पहना रही है, ताकि बच्चा जो है ना गर्मी में उसमें थोड़ा रिलैक्स रहे और इजी रहे। और घर में हमने देखा है कि इवन वो एक जो बनियान है वाइट कलर की वो बच्चा पहने रहता है, क्योंकि गर्दन पे उसके रैश निकला हुआ है। मेरे ख्याल में कौसर को ना थोड़ा सा बच्चे को करवट भी लिटाना चाहिए, ताकि जो उसकी बैक है वो बेड से या जिस जगह पर भी उसको सुलाएं तो थोड़ा सा उस पर हवा लगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली भी ठीक होगी। खैर जनाब, यहाँ से जो मिस्टर साजिद का व्लॉग है उससे ये चीज़ देखने को मिली कि सितारा की कार यूज़ हो रही है, मतलब अच्छी बात है कि सितारा जो है वो इतना ज़र्फ़ रखती हैं अपने अंदर और के गुंजाइश रखती हैं कि उनको एहसास है कि बच्चे को लेकर जाना है तो बाइक पे ले जाना बेटर नहीं है, तो इट्स बेटर आप कार ले जाओ, ये वाली भी एक अगर फैसिलिटी है और सितारा ने दी है और उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना, तो ये उनकी अच्छाई है। खैर जनाब, यहाँ से हम चलते हैं आगे।
और बात करते हैं शवरमा की। तो जिस तरह से सितारा ने दावत अनाउंस की और एक गिफ्ट ख़रीदा ना बीबी के घर के लिए, अच्छी बात है, रिश्तेदार हैं और इतनी ज़बरदस्त इनके दरमियान बचपन एक साथ गुजरा है, दोस्त अहबाब सब कुछ हैं ये एक दूसरे के, रिश्तेदार और खाला भांजे भी हैं, तो बहुत सारी रिश्तेदारियाँ भी हैं, दोस्तियाँ भी हैं। तो सितारा गिफ्ट लेकर गई, लेकिन जहाँ मैं दावत सोचती हूँ ना, तो दावत का सीन थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब दावत पर कुछ एक दो से ज़्यादा मेन्यू समझ में आता है, कुछ थोड़ा अच्छा ना, कुछ थोड़ी बड़ी दावत, तो देखने में अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। ये क्या कि सिर्फ शवरमा आपने बनाया, वो तो कहते हैं ना चलते फिरते खा लो, या फिर आप अगर स्पैगेटीज़ बना लें, मैक्रोनी बना लें, पास्ता बना लें, बर्गर बना लें, तो जो दावत है ना वो थोड़ा डिफरेंट ट्रैक पर होती है। तो ये वाली चीज़ मगर आपके यहाँ मैंने देखा है फैमिलीज़ में आप लोग इसे एज अ मील भी खा लेते हो। यहाँ पर तो अगर हम अपनी बात करें, यहाँ कराची में भी देखें तो ये चलते फिरते फास्ट फूड के तौर पे खा लिया जाता है, और फिर प्रॉपर लोग खाना भी खा रहे होते हैं थोड़ा सा इसको लेने के बाद, मतलब इतनी मिकदार में नहीं लेते। खैर जी, ये मैंने चीज़ फील की तो मुझे लगा दावत के हिसाब से कुछ स्वीट डिश, कुछ चंद एक चीज़ें अगर आपने दावत अनाउंस की थी तो ज़रूर बिल ज़रूर रखते, तो और भी अच्छा लगता। यहाँ से मैंने ये भी नोटिस किया कि बीबी ने जो नजमा वगैरह हैं जो घर पर रह गए थे, भाई हैं तो रिश्तेदारी ना, उनके लिए कुछ भेजा नहीं। मतलब जो भी कुछ आपने दावत में रखा अगर वो लोग नहीं आ सके तो उनके लिए भेज देते, तो एक अच्छा जेस्चर जाता आपकी तरफ से। मतलब एक दुनिया आपको देख रही है, देखने वाले क्या सोचेंगे कि किस तरह के रिश्तेदार हैं कि इतना सा नहीं कर पाए, और दूसरी साइड पर जो कौसर है उसके घर भी भेज देते, तो एक अच्छा मतलब ओवरऑल ना इम्पैक्ट जाता और आपका ही इमेज अच्छा जाता बीबी एंड फैमिली का। खैर जनाब, लेट्स सी आगे ये लोग कितना इम्प्रूव करते हैं अपनी लाइफ को और मज़ीद दावतें किस तरह से करते हैं। खैर जनाब, यहाँ से आगे चलते हैं। तो नजमा की अगर मैं बात करूँ तो जो नजमा है वो काफ़ी टाइम से ना सितारा के घर पर हैं, और पीछे इनका घर कौन देख रहा है, लाजमी सी बात है मिस्टर फारूक के सिवा कौन देखेगा। मतलब मिस्टर फारूक को इतना लापरवाह, इतना केयरलेस और पता नहीं क्या क्या मशहूर कर डाला था उनके ही रिश्तेदारों ने, साले वगैरह ने जो भी थे उनके, तो आप देखें ना कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फारूक साहब पीछे अपना घर संभाल रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। नो डाउट जो इनकी भाभी है एक जो इनके साथ आई थी वो भी देख रही होगी घर को, लेकिन जो फारूक साहब हैं उनका तो कॉन्ट्रीब्यूशन लाजमी है ना, वरना नजमा कैसे इतने दिन अपने बाकी बच्चों को छोड़कर सुकून से बेफिक्र होकर सितारा के घर पर रह सकती हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की। दूसरा ये कि सितारा का ट्रस्ट, के सितारा यहाँ पर नजमा को लेकर कितनी ट्रॉलिंग होती है नजमा की, कि नजमा ने ये वॉइस उधर दे दी, नजमा की आदत है कि वो बात हो रही होती है तो मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती है और पता नहीं क्या क्या अला बला, नजमा इसको वॉइस देती है, नजमा इससे मिलती है, नजमा इसको पिक्चर देती है, लेकिन फिर सितारा के घर में नजमा नज़र आती हैं लोगों को, तो फिर लोग जो है ना वो सीखपा हो जाते हैं। लेकिन सितारा का ट्रस्ट देखें कि सितारा अपना पूरा घर नजमा पर छोड़ कर गई है, तो कोई तो बात होगी, मतलब इन लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग। नो डाउट इन इट के जो मिस्टर साजिद हैं उनके मोबाइल में पूरे घर का जो एक सिक्योरिटी कैमरा है वो लॉग इन है, वो वहां से उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी भाई बड़ी बात है अपना पूरा घर इस तरह से छोड़कर जाना, और वो भी उस तरह से कि जिस लेडी के बारे में यहाँ पर चीज़ें बोली जाती कि वो चीज़ें यहाँ से बड़ी के घर पहुँचाया करती थी, यही इल्ज़ामात सुने थे हमने नजमा के हवाले से, और आगे सारी इन्फो दिया करती थी। तो क्या सितारा इतनी लापरवाह है कि अपना पूरा घर एक ऐसी लेडी को दे देंगी, मुझे नहीं लगता कि फिर इतनी ज़्यादा इन बातों में सच्चाई थी। हाँ, यहाँ पर जो सितारा के तमाम तर रिश्ते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ झोल झपाटे तो किए ज़रूर हैं, लेकिन भाई सितारा का इतना ट्रस्ट और वो भी अपनी भाभी पर, कुछ तो बात है ना। ये वाली चीज़ भी मैं सोच रही थी। लेट्स सी आगे क्या मामलात हैं, क्या नहीं, फिर करेंगे रिव्यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।